क्विक आयुर्वेद में आपका स्वागत है। त्रिफला ही एकमात्र ऐसी औषधि है जो वात पित्त कफ तीनों को एक साथ संतुलित करती है। आइए जान लेते हैं। आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर में जितने भी रोग होते हैं वो त्रिदोष यानी कि वात पित्त कफ के कारण ही होते हैं। सिर से लेकर छाती के मध्य भाग तक जितने रोग होते हैं वो एक कफ के बिगड़ने के कारण होते हैं, और छाती के मध्य से पेट खत्म होने तक जितने रोग होते हैं तो वो पित्त के बिगड़ने से होते हैं, और उसके नीचे तक जितने रोग होते हैं वो वात यानी कि वायु के बिगड़ने से होते हैं। लेकिन कई बार गैस होने से सिर दर्द होता है, तब ये वात बिगड़ने से माना जाएगा। जैसे जुकाम होना, छींके आना, खांसी होना, ये कफ बिगड़ने के रोग हैं। तो ऐसे रोगों में आयुर्वेद में तुलसी लेने को कहा जाता है, क्योंकि तुलसी कफ नाशक होती है। ऐसे ही पित्त के रोगों के लिए जीरे का पानी लेने को कहा जाता है, क्योंकि जीरा पित्त नाशक होता है। इसी तरह मेथी को वात नाशक कहा जाता है, लेकिन मेथी ज्यादा लेने से ये वात तो संतुलित हो जाता है लेकिन ये पित्त को बढ़ा देती है। महर्षि वाग्भट्ट जी कहते हैं कि आयुर्वेद की ज्यादातर औषधियां वात पित्त या कफ नाशक होती हैं, लेकिन त्रिफला ही एकमात्र ऐसी औषधि है जो वात पित्त कफ तीनों को एक साथ संतुलित करती है। वाग्भट्ट जी इस त्रिफला की इतनी प्रशंसा करते हैं कि उन्होंने आयुर्वेद में 150 से अधिक सूत्र मात्र त्रिफला पर ही लिखे हैं कि त्रिफला को इसके साथ लेंगे तो ये लाभ होगा, त्रिफला को उसके साथ लेंगे तो वो लाभ होगा। त्रिफला का अर्थ क्या है, आइए जानते हैं। त्रिफला का अर्थ, त्रिफला मतलब तीन फल। कौन से हैं ये तीन फल? वो हैं आंवला, बहेड़ा और हरण। इन तीनों से बनता है त्रिफला चूर्ण। वाग्भट्ट जी त्रिफला चूर्ण के बारे में और बताते हैं कि त्रिफला चूर्ण में तीनों फलों की मात्रा कभी समान नहीं होनी चाहिए, ये अधिक उपयोगी नहीं होता। आजकल बाजारों में मिलने वाले लगभग सभी त्रिफला चूर्ण में तीनों फलों की मात्रा बराबर होती है। त्रिफला चूर्ण हमेशा 1:2:3 की मात्रा में ही बनाना चाहिए। अर्थात मान लो आपको 200 ग्राम त्रिफला चूर्ण बनाना है तो उसके लिए सामग्री चाहिए। हरड़ चूर्ण होना चाहिए 33.33 ग्राम, बहेड़ा चूर्ण चाहिए 66.66 ग्राम और आंवला चूर्ण चाहिए 99.99 ग्राम। तो इन तीनों को मिलाने से बनेगा संपूर्ण आयुर्वेद में बताई हुई विधि का त्रिफला चूर्ण, जो कि शरीर के लिए बहुत ही लाभकारी है। वाग्भट्ट जी कहते हैं कि त्रिफला का सेवन अलग अलग समय से करने से अलग अलग तरीके के परिणाम मिलते हैं। रात को जो आप त्रिफला चूर्ण लेंगे तो वो रेचक है यानी सफाई करने वाला है, पेट की सफाई करने वाला, बड़ी आंत की सफाई करने वाला, शरीर के सभी अंगों की सफाई करने वाला, कब्जियत दूर करने वाला। 30 से 40 साल पुरानी कब्जियत को भी अगर आप दूर करना चाहते हैं तो त्रिफला चूर्ण फायदेमंद हो सकता है। सुबह को त्रिफला लेने को पोषक कहा गया है, अर्थात अगर आपको पोषक तत्वों की पूर्ति करनी है, वात पित्त कफ को संतुलित रखना है तो आप त्रिफला चूर्ण लीजिए। सुबह का त्रिफला चूर्ण पोषक तत्वों से भरपूर होता है। अगर आपको कब्जियत मिटानी है तो त्रिफला चूर्ण रात को लीजिए। त्रिफला कितनी मात्रा में लेना है, किसके साथ लेना है, ये भी आपको बताते हैं। रात को कब्ज दूर करने के लिए त्रिफला ले रहे हैं तो 1 टीस्पून यानी कि आधा बड़ा चम्मच गर्म पानी के साथ लें और ऊपर से दूध भी पी लें। सुबह त्रिफला का सेवन करना है तो शहद या गुड़ के साथ लें। 3 महीने त्रिफला लेने के बाद 20 से 25 दिन छोड़ दें, फिर दोबारा से सेवन करें। इस प्रकार त्रिफला चूर्ण आपके बहुत से रोगों का उपचार कर सकता है। इसके अतिरिक्त जैसे मैदे से बने उत्पाद, बर्गर, नूडल, पिज्जा आदि ना खाएं, ये कब्ज का बहुत बड़ा कारण है। रिफाइंड तेल कभी ना खाएं, हमेशा शुद्ध सरसों, नारियल, मूंगफली आदि का तेल खाएं, सेंधा नमक का उपयोग करें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और क्विक आयुर्वेद को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।